यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्पीच की डेफिनेशन होगी, ठीक है। द वर्ड स्पीच इज द नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब स्पीक, मतलब वर्ड जो स्पीच है वो किस वर्ड से ड्राइव है, स्पीक वर्ड से। वी स्पीक, वन अवर वी स्पीक इज कॉल्ड अवर स्पीच, हम जो भी लफ्ज़ बोलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पीच कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू है, वॉट इज मेंट बाय पार्ट ऑफ स्पीच, अब पार्ट ऑफ स्पीच से क्या मुराद है, तो उसका आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्पीच इज मेड ऑफ वर्ड, स्पीच किससे, वर्ड से मिलकर बनती है। दैट इज़ वाई वर्ड इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीच, इसलिए क्या है, बेसिक यूनिट क्या कहलाता है, स्पीच का, वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर टू होगा। वॉट इज मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, वॉट आर सेंटेंसेज मेड अप ऑफ, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन वर्ड्स बहुत ईजी हैं। वैन वी स्पीक राइट समथिंग वी यूज सेंटेंसेज, ठीक है। ई सेंटेंसेस इज मेड ऑफ ऑफ वर्ड, ईच वर्ड इज सेंटेंसेस हैज इट्स ओन मीनिंग एंड इट डज अ स्पेसिफिक रोल इन द सेंटेंसेस। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ ए सेंटेंसेज फैसिलिटेट्स टू ब्रिंग आउट द कॉम्प्लेक्स मीनिंग टू द सेंटेंसेज। बेसिकली सेंटेंस क्या है, जो भी चीज़ हम बोलते हैं, लिखते हैं, या जो भी हम अदायगी करते हैं कोलो फेल की, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये थ्री क्वेश्चन है आपके, आपने अच्छी तरीके से याद करके यहाँ पे इसके आंसर्स राइट करने, ठीक है मेरा बेटा। और अभी आपने आज का आपका यही टास्क है, फिर इनसे पहले इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में अपना डेफिनेशन नाउन की करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।